मुरादाबाद कांट रोड पर डीएम आवास और एसपी सिटी दफ्तर के बीच बुधवार देर रात हरिद्वार डिपो की रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से घुस गई। इस हादसे में 10 यात्री घायल हो गए। हादसे के समय बस शिमला से रुपैड़िया जा रही थी। बस में रुपैड़िया और नेपाल के यात्री सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। हरिद्वार डिपो की रोडवेज बस शिमला से रुपैड़िया जा रही थी। बस यात्रियों से भरी थी। बस बुधवार रात कांट रोड से गुजरी। बस के आगे ट्रक चल रहा था। एसपी सिटी और डीएम आवास के बीच आगे चल रहे ट्रक के चालक ने ब्रेकर पर ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे चल रही बस ट्रक में घुस गई। सूचना मिलने पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस भी पहुंच गई। इसके बाद घायलों को बस से उतारकर जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। घायलों में बल बहादुर तुलकनी, नहेंद्र औली, वीर बहादुर, तिलक गोपाल, कासिम बोरा, पुलती बोरा घायल हो गए हैं। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर नवल मारवाह ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये आगे ट्रक वाला ने इमरजेंसी ब्रेक मार दी और उसके बाद पीछे से ठोक दिया गाड़ी। बस में कितने लोग थे? बस में तो फुल बस थे, 8-10 लोग। दो मोटर थी बस। कितने लोगों को चोट लगी है? वो बहुत से लोगों को है। बहुत लोगों को चोट आई है। इधर लगा है किसी का नाक। ट्रक वाला भाग गया? ट्रक वाला भाग गया? ट्रक वाला भाग गया। भाग गया। आपका नाम क्या है? कहाँ से चोट लगी आपके? तो चोट लगी है। क्या हुआ था रास्ते में? पता नहीं, अचानक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ था? सोए हुए थे, हमको पता नहीं चला। सो रहे थे तुम? ट्रक में टक्कर लगा भाई? अचानक बाय चांस पता चला। अच्छा, फिर एकदम से फिर तुम बाहर निकले, क्या हुआ फिर? देखा तो कितने लोगों को चोट लगी? पता नहीं कितने लोग थे, चले लगभग कितने होंगे? अंदाजा नहीं है। नया नहीं है तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पे लगा इधर इधर पुलिस आ गई थी मौके पे? मौके में पुलिस आए। पुलिस मौके पर आ गई थी तो अब बाकी घायलों को कहाँ भेज दिया? एम्बुलेंस में हॉस्पिटल गए।